पंचायत समिति बाड़ी के प्रधान और तत्कालीन विकास अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप। फर्जी दस्तावेज के आधार पर करोड़ों रुपए की राजकीय राशि के दुरुपयोग का मामला। धौलपुर निवासी युवक ने दोनों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के कोतवाली थाने में पंचायत समिति प्रधान और विकास अधिकारी के खिलाफ फर्जी दस्तावेज के आधार पर करोड़ों रुपए की राजकीय राशि के दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए धौलपुर की गुर्जर कॉलोनी निवासी संजय सिंह पुत्र हरि सिंह गुर्जर ने मुकदमा दर्ज कराया है। एसपी के माध्यम से आए परिवाद के आधार पर बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जाँच की जा रही है। बाड़ी कोतवाली थाना अधिकारी शिवलहरी मीणा ने बताया कि धौलपुर एसपी ऑफिस से जरिए डाक एक परिवाद आया है, जिसमें धौलपुर की गुर्जर कॉलोनी निवासी संजय सिंह पुत्र हरि सिंह गुर्जर ने बाड़ी पंचायत समिति के प्रधान अजय सिंह परमार और तत्कालीन विकास अधिकारी रामजीत सिंह द्वारा मिली भगत कर फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों रुपए की राजकीय राशि का दुरुपयोग किया है। बिना काम कराए ही यह राशि उठाई गई है। एफआईआर में यह भी हवाला दिया गया है कि एक समिति द्वारा जब पंचायत समिति के उक्त कार्यों की जांच की गई तो 44 कार्यों की जांच में 22 काम मौके पर या तो पाए ही नहीं गए या उनको अन्य किसी संस्था ने कराया है। परिवादी ने आरोप लगाया कि बाड़ी पंचायत समिति में करीब 3 वर्ष में 250 से अधिक ऐसे काम हुए हैं, जिनमें से कई कामों की तो पत्रावली ही कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। कुछ कार्यों का उदाहरण भी एफआईआर में दिया गया है। एफआईआर में यह सभी कार्य वर्ष 2021 से लेकर वर्ष 2023 तक के बताए गए हैं। ऐसे में पुलिस ने मामले को लेकर विभिन्न धाराओं में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी शिवलहरी मीणा कर रहे हैं।